सो हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो गाइज, कि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने WhatsApp में पुल मैसेज कैसे भेज सकते हैं। WhatsApp में काफ़ी तरीके का हम लोग SMS भेज सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट, कैमरा, गैलरी, ऑडियो, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, और इसमें से एक होता है पुल मैसेज। तो ये पुल मैसेज हम लोग अपने WhatsApp में कैसे भेजेंगे, यही आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसी को आप लोग को WhatsApp पर पुल मैसेज भेजने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को अपना WhatsApp अकाउंट ओपन करना है। WhatsApp अकाउंट ओपन करने के बाद गाइज आप लोग को किसी को भी मैसेज सेंड करना है। जैसे तो आप लोग जब किसी को मैसेज सेंड करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से कि यहाँ पर एक जो है पुल वाला ऑप्शन भी होता है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आस्क ए क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में अपना ऑप्शन सेट कर सकते हैं। इसमें जब आप लोग ऑप्शन ऐड कर देंगे तो इसमें जो है वह ऑप्शन वाइज वोट कर पाएगा। चलिए मैं यहाँ पर कोई सा एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन लिख दिया है और यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग ऐड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर चार ऑप्शंस को ऐड कर दिया है। आप लोग चाहें तो और भी ऑप्शन को इसमें ऐड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मेरा जैसे क्वेश्चन है क्या कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जो है यहाँ पर चार ऑप्शन डाल दिया हूँ। और इस ऑप्शन को डालने के बाद गैस जो है हमको क्या करना है कि इसको सेंड करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है, तो ये सेंड हो जाएगा। अभी देखिए सेंड होने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गया है, क्वेश्चन हमारा ये है और यहाँ पर जितना भी ऑप्शन हम लोग यहाँ पर लगाए हैं ये जो है हमारा इस तरीके से आ जा रहा है। अभी हम लोग इस पर वोट करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो वोट है वो यहाँ पर आ जा रहा है। इसका यूज़ आप लोग ऐसे कर सकते हैं जब कोई आप लोग का WhatsApp ग्रुप है और आप लोग उसमें ऑप्शनल वाइज जो है सबसे वोटिंग लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस तरीके से ग्रुप वगैरह में यूज़ कर सकते हैं WhatsApp के, या फिर किसी को पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हैं इस तरीके का। और यहाँ पर जितने भी लोग वोट किए रहेंगे वो यहाँ पर शो होगा। वी वोट्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं वोट किया हूँ तो जो है यहाँ पर शो कर रहा है। तो ग्रुप में भी जितने बंदे होंगे जो जो वोट करेंगे सभी का वोटिंग नेम यहाँ पर शो होगा। तो आप लोग चाहें तो अपना वोट भी चेंज कर सकते हैं, इस पर नहीं तो इस पर देना है, तो आप लोग इस तरीके से वोट दे भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसी को रहने दूंगा। तो इस तरीके से आप लोग WhatsApp में पुल मैसेज भी भेज सकते हैं किसी को। तो इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही था, और अगर आप लोग कोई छोटा सा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की और भी टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।